अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं अफजल खान और मिसेज अफजल खान जी। आज हम आपको भिंडी सरसों के तेल में, अदलों से आप देख लें, अपने पीछे माँ बाप को देख लें, लोग सरसों का तेल इस्तेमाल करते थे। आज हर दुनिया का डॉक्टर कह रहा है ये ऑयल जो है ये सब बीमारी है, तो हमने भी काफ़ी महीनों से ये सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज आपको भिंडी जो है मेरी मिसेज आपको सरसों के तेल में बना के देगी। ओवर टू माय मिसेज। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। आज हम बड़ी मजेदार सी चीज बना रहे हैं, भिंडी, माय फेवरेट भिंडी। लेकिन मैं इसमें एक एड ऑन कर रही हूँ, हम फ्राइज के साथ विद भिंडी बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम सरसों का तेल कढ़ाई में डालते हैं और इसको थोड़ा सा कड़कड़ाते हैं। इसी तरह हम फ्राइज के लिए भी ये अलहदा से मैं फ्राइज भी सरसों के तेल में ही बनाऊंगी। ये बंद और गुडलक व्यूअर, ये यहाँ पे 100% प्योर हमें अवेलेबल है। बिल्कुल दुबई में दुनिया का बेस्ट कंट्री, मैं क्यों कहता हूँ बार बार, यहाँ पे हर चीज 100% प्योर अवेलेबल, चांस ही नहीं है यहाँ पे कोई आपको गलत। देखिए इसमें जो इंग्रेडिएंट पड़ेंगे, इसमें मैंने 1/2 kg भिंडी ली है, 2 प्याजे ली है और 1 टमाटर लिए है। और ये फ्राइज के लिए मैंने ये इसमें कॉर्नफ्लोर डेली फ्रेश वालों का लगा के रखा हुआ है इसमें, ठीक है। और इसके अंदर फिर हरी मिर्चें, लहसुन अदरक, नमक, मिर्च, कुटी हुई मिर्च, जीरा, हल्दी और दूसरी लाल मिर्च, और ये थोड़ी सी दही डालेंगे, ऐड करेंगे। तो सबसे पहले जरा ये मेरे दोनों ऑयल हो जाएं गरम अच्छी तरह से, तो फिर मैं इसके अंदर लहसुन अदरक डालूंगी उसमें भी और इसमें भी, ताकि थोड़ी जिस सरसों की जो स्मेल होती है वो खत्म हो जाती है ये डालने से, लहसुन डालने से। लहसुन का पानी पहले, लेकिन जब आधी हो जाए फिर कोई इशू नहीं है। मैंने पहले भी बताया था और हमें तो बिल्कुल फील नहीं होता, शायद हम आधी हो गए। नए सुनने वालों के लिए, नए देखने वालों के लिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर किसी को स्मेल वगैरह आए तो लहसुन को कूट के उसका पानी इसमें डालेंगे ना तो कोई स्मेल नहीं आती और इतना मजा आता है खाने का। कि कल मैंने मटर और आलू का, और ये 100% आपकी सेहत के लिए, हेल्थ के लिए गुड है। इसमें मैं ये लहसुन अदरक डाल रही हूँ, लहसुन अदरक, और कल मैंने राइस बनाए हैं, ऐसा कोई मजेदार वो राइस बने हैं कि चटपट हो गए। और ये फ्राइज के लिए भी ताकि फ्राइज में ना, तो ये मैंने और इसमें फिर मैं फ्राइज डाल दूंगी, ये थोड़ा सा हो जाए कड़कड़ा जाए, इसकी स्मेल खत्म हो जाए, फिर मैं डाल दूंगी। और ये मुझे तो मेरा एकदम जब वेट 2 kg नीचे आया है, तो मैं ये 15 दिन से खा रही हूँ सरसों का ऑयल, तो मेरा मुझे फीलिंग है कि ये बहुत अच्छी चीज है। और तो, सरसों का तेल डेफिनेट हम दोनों का, मेरी बीवी का, दोनों का वेट कम हुआ। अफजल का 75 था, ये 71 पे आए हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन साथ दूसरा भी अरुज, ये भी है कि 2 टाइम खाए। हाँ, ये 3 टाइम ठूसना मना है। ये मैं फ्राइज के लिए ये आस्ते आस्ते होते रहेंगे, 3 टाइम ठूसना मना है। और रात 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे खाना, वो भी जुल्म है अपने ऊपर। हाँ। बल्कि जुल्म अजीम है, अजीम है। ये होते रहेंगे तो मैं इसको ना, जैसे मेरी भिंडी तैयार होगी तो फिर मैं इसको इसमें डाल के दम लगा दूंगी। तो ये इस होने दे, इसको इतने में अपनी ये पहले टमाटर थोड़े से डालूंगी और प्याज डालूंगी। बंदूरा पहले वो फ्राई करते हैं भिंडी को, फ्राई करते हैं, लेकिन मैं नहीं फ्राई करके बनाती, मैं तेज बनाती हूँ, क्योंकि कितना बंदा ऑयल उसके अंदर एब्जॉर्ब। और ये मैं ये डालने लगी हूँ मिर्ची, ओ सॉरी बसर प्याज प्याज डालने लगी हूँ अरबी में बसर। हाँ, ये थोड़ी सी हो जाए तो फिर इसके अंदर मैं मसाले डालूंगी। आस्ते आस्ते मैं इसको भी देखती रहूंगी अपने, क्योंकि ये भी भिंडी का हिस्सा है। भिंडी के अंदर आलू बड़े अच्छे लगते हैं। ये रेसिपी मैंने अपनी बड़ी नन से सीखी है, वो एक दिन बना रही थी, मैंने कहा ये कि मैं, क्योंकि मैं सिर्फ भिंडी प्याज में ये चिकन भिंडी या मटन भिंडी ये बनाती थी, तो कहती नहीं इसका भी, फिर मैंने जब से बनाई है एक दो दफा तो मुझे अच्छा टेस्ट आया। करारे से ये होते हैं तो मजे से ना,
सरसों का तेल शुरू करें, सरसों का तेल शुरू करें, खाना पीना सरसों के तेल में खाएं, आपको फायदा होगा, हमें स्वाद मिलेगा, हमें बहुत फायदा हो रहा है, वेट कम हो रहा है, सुस्ती खत्म हो रही है। जौ की रोटी खाएं साथ, जौ की रोटी खाने से जबरदस्त फायदा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का आपका निज़ाम दुरुस्त हो जाएगा। खाने को इम्पोर्ट और जाने को एक्सपोर्ट, जबरदस्त यस, और डबल फायदा होता है, आप खाएं आधा और डबल होगी एक्सपोर्ट होगी, ये गारंटी जो खाने से। और थोड़ी सी ना तेज आंच रखें ताकि ना जल्दी 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 हो जाए, क्योंकि जब हम फसल चलाएंगे या थोड़ी सी, क्योंकि प्याज को हमने ज्यादा मस्टर्ड आपको शर्ट अभी दिखा दूँ, ये है मस्टर्ड कलर की शर्ट, यस मस्टर्ड मस्टर्ड। ये तेज आंच में है ये भी, तो इंशाल्लाह ताला ये भी ब्राउनिश ब्राउनिश शेड हो जाएगा, क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्याज तो कच्ची पक्की रखी है, इसमें जब ऐसी प्याज है ना फिर ही मज़ा आता है खाने का ना। और थोड़े चंकी चंकी से ये टमाटो आए, अब इसमें मैं मसाले डालूंगी, मैं आपको बताती जाती हूँ, मैं वैसे 1 टेबल स्पून डालती हूँ, क्योंकि मैंने नमक नहीं डाली, नमक डाल वो नहीं है, पिंक नहीं है, कि यूज़ करेंगे पिंक भी है, पहले ये खत्म कर लूँगी, ये पड़ा जाएगा ये पिंक, क्योंकि ये पिंक नमक भी पिंक शुरू करें आप, हमने भी शुरू किया पिंक नमक, और ये जो अंडे अंडे में डालती हूँ ये भी पिंक है, और वो खत्म होकर दोबारा लाना नहीं, ये बस मैं जल्दी इसे, ये सफेद नमक भी बीमारी है, बीमारी है मेरी बीमारी है, तो ये खत्म हो जाए ना तो सुबह नाश्ते में पिंक ही डालती हूँ, हांडी वांडी में कहेंगे ये जल्दी खत्म होगा, सर केमिकल नहीं ना सर रंग उसका, अब ये जा रही है रेड चिली लाल मिर्च कुटी हुई लाल मिर्च, तकरीबन छोटे थोड़ी मोटी मोटी होती है वो डाल दें, फिर इसमें एक भर के जीरे का डाल दें थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जीरा मुझे अच्छा लगता है, और ये हल्दीराम हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे, तो थोड़ा सा कमर के दर्द के लिए भी बेस्ट होती है ये, अगर आपको थोड़ा सा कोई सुरख वुरख करना है तो कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं जब कोई शोरबे वाला सांभर होता है ना तो उसमें डालती हूँ ये, मैंने इसमें 1 चमची लाल मिर्च डाल दी, बस ये इसमें मसाले डालने और कोई मसाला नहीं डालना, सिंपल सिंपल है, और इसके बाद मैं इसके अंदर भिंडी डाल दूँगी और दम लगा दूँगी, इतने मेरे आलू हो जाएंगे, और इसको फाइनल टच अभी थोड़ी सी दही डाल दूँ मैं, एक फिर बाद में मिक्स ही कर लेना दोनों को, हाँ बस 5 मिनट का काम है, ये देखें ये भी थोड़ा दही भी डाल, दही डाल दी है बस, और कुछ इसमें मसाले नहीं डालने, इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँ, थोड़ा सा भून दूँ, इतने मेरे आलू भी तैयार हो जाएंगे, और फिर मैं जब इसमें बस ये ज़रा मिक्स हो जाए तो मैं इसमें भिंडी डाल के से दम लगा दूँगी, ये भिंडी पकाना सबसे आसान काम है मेरे हिसाब से ना, मुझे तो यही लगता है कि भिंडी बहुत आसान होती है पकाना, और ये इसके अंदर भिंडी डल गई है अल्हम्दुलिल्लाह, मसाले भुन रहे हैं, छींक शुरू, एक ही आ गई तो ये इसके जी व्यूअर ये आ गई फाइनल पोजीशन, और फिर ये थोड़ा सा और इसको दम हो जाएगा तो फिर मैं आपको इसको सही वाला डिश आउट करके दिखाऊंगी, ठीक है जी, अब इसे मिक्स हो रहा है, असेंबलिंग हो रही है, क्योंकि ये ऑयल में जो सरसों का तेल है मैं इसमें नहीं डाल रही, क्योंकि कुछ ज़्यादा ना हो जाए, तो इसे मैं कुछ और बना लूँगी, मैं इसे स्ट्रेन करके अगर ज़रूरत हो तो मैं भी मैं दोबारा बना इसमें डाल दूँ, क्योंकि इसमें कुछ ऑयल जो बच गया नहीं डालना चाहिए, ज़रूरी तो डालनी है, हाँ
ये देखें, ये अब इसमें ये मैं से मिक्स करके इसमें ये मिक्स हो गया और ये तो 10 मिनट दम पे रहेगी और हंडी तैयार। झटपट हंडी से बोलते हैं, झटपट हंडी तैयार, ठीक है। और ये मैं इसके अंदर ये हरी मिर्च डाल दूंगी, ये कड़वी नहीं होती, कड़वी नहीं होती, ये थोड़ी सी ज्यादा मिर्ची नहीं होती, ठीक है जी। ये है हमारी आज की भिंडी, थोड़ा दम हो जाए उसके बाद मैं डिश आउट होगी, ठीक है, फाइनल स्टेज आएगी डिश आउट होगी, ठीक है जी, दोबारा मिलते हैं, थैंक यू जी। जनाब ये हो गया मामला फाइनल, ये देखिए व्यूअर्स हमारी भिंडी तैयार हो गई है, हम दोनों बंदों के लिए, मेरे लिए और मेरा, मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ। ये देखिए क्या रंग आया है, क्या ढंग आया है, टेस्ट किया है ऐसा कोई जबरदस्त इसका टेस्ट है ना, भिंडी और पटाटो, पटाटो भिंडी थे आलू, आलू ले लो, भिंडी ले लो, आप करते हो तो ये हम दोनों के लिए बहुत मस्त चीज है। अफजल भी शौक से खाते हैं और मैं भी बहुत शौक से खाती हूँ भिंडी, वैसे जबरदस्त है। ये लें जी, हमारी हो गई है खूबसूरत से डिश और जबरदस्त रंग है, जबरदस्त ढंग है, जबरदस्त टेस्ट है। खाने से पहले आपको बता दिया, ठीक है जनाब, हमारा कावच अच्छी लगे, आपको वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें, शेयर करें, पूरी एंड तक देखिएगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, टिल द नेक्स्ट वीडियो, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।